हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। कई अफ्रीकन देशों में गर्भनाल को बच्चे का जुड़वा भाई या बहन माना जाता है और पूरी रस्मों के साथ उसे दफनाने की प्रक्रिया होती है। बच्चे का जन्म दुनिया भर में खुशियों का माना जाता है। हालांकि इस मौके को मनाने का सबका अंदाज अलग अलग है। कई समुदायों में इस दौरान निहायत ही अजीबोगरीब रस्में होती हैं। ये मॉडर्न माने जाने वाले देशों में भी है। माना जाता है कि पुराने समय से चली आ रही रस्मों से बच्चे का सदका लिया जाता है और इस तरह से उसे आने वाली सारी परेशानियों से बचाया जा सकता है। चीन में नई माँ को बच्चे के साथ पूरे 30 दिन अलग रहना होता है। इस दौरान उस पर केवल घर से बाहर निकलने की ही मनाही नहीं बल्कि कच्चे फल खाना और यहाँ तक कि नहाना भी मना होता है। इस महीने को चीनी भाषा में जेड यूजी कहते हैं। चीन में ये रस्म लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है लेकिन अब भी वहाँ परिवार इसे मनाने के लिए उतने ही सख्त है। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में और भी शामत लाने वाली रस्म है। इसके मुताबिक बच्चे को पहले 3 महीने जमीन को छूने भी नहीं देना है या किसी तरह से जमीन के संपर्क में नहीं आना है। ऐसे में माँ बच्चे को पूरे समय गोद में या बिस्तर पर रखे रहती है। वैसे मान्यता है कि जमीन से दूर रखकर बच्चे का दूसरी दुनिया से संपर्क बना रहता है। नाइजीरिया और घाना में माँ की गर्भनाल जो बच्चे से जुड़ी होती है उसके लिए शौक मनाने का रिवाज है। इन अफ्रीकन देशों में प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को बच्चे का जुड़वा भाई या बहन माना जाता है और बाकायदा पूरी रस्मों के साथ उसे दफनाने की प्रक्रिया होती है। ये सब एक पेड़ के नीचे होता है। दक्षिण पश्चिम अमेरिका के नवाजो कल्चर में बच्चे के पहली बार हंसने को काफी बड़ी बात मानते हैं। मान्यता है कि पहली बार शिशु हंसता है तब वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में कनेक्ट हो जाता है। इस मौके पर जिसकी गोद में या जिसकी भी वजह से शिशु हंसे उसे शानदार पार्टी देनी होती है। बल्गेरिया में आप किसी मासूम बच्चे की तारीफ कर दें तो आपकी मुसीबत हो सकती है। यहाँ माना जाता है कि बच्चे की तारीफ सुनकर बुरी ताकत उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उसे ले जाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि वहाँ कई सालों तक बच्चे को बदसूरत बताने का रिवाज है। जापान में बच्चे की गर्भनाल का बहुत महत्व है। वे मानते हैं कि ये एक माँ से जुड़ा प्रतीक है इसलिए इसे सम्मान मिलना चाहिए। यही वजह है कि वहाँ गर्भनाल अलग होने के बाद उसे फेंका नहीं जाता बल्कि लाख के डिब्बों में सहेज कर रखते हैं। जापानी भाषा में इसे हिज़ोनो यानी पेट की पूंछ कहते हैं। वियतनाम में भारत की ही तरह मदर इन लॉ नए माता पिता की मदद के लिए आ जाती है। वो कम से कम महीने भर साथ रहती है और बच्चे की देखभाल सिखाती है। साथ में वो नई माँ की सेहत के लिए जायकेदार और बेहद पौष्टिक सूप और स्ट्यू बनाती है। पड़ोसी देश तिब्बत में बच्चे के जन्म के साथ ही घर के बाहर दो बड़े बड़े बोर्ड टंगा दिए जाते हैं। एक बोर्ड पर कुछ ऐसा लिखा होता है जो बच्चे को बुरी ताकतों से बचाता है। वहीं दूसरे बोर्ड पर अच्छी आत्माओं को बच्चे की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। जन्म के 3 दिन बाद ही यहाँ जन्मोत्सव होता है। इसी तरह से एक लोकप्रिय आर्य परंपरा के तहत कपल की शादी के केक का एक हिस्सा बच्चे के जन्म के बाद के सेलिब्रेशन के लिए बचाकर रखा जाता है। इस केक को कहा ही जाता है फर्टिलिटी हिस्स की फ्रूट केक। इसकी ऊपरी परत बचाकर रखी जाती है और पहले बच्चे के जन्म के बाद नामकरण के दौरान उस केक के सूखे टुकड़ों की बच्चे पर बौछार होती है। माना जाता है कि इसे बच्चे के जीवन में हरदम खुशियों की बारिश होगी। हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।